अस्सलाम वालेकुम एंड हियर वी आर वी गोना टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक जो है एब्बा विजिट। लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन द ट्यूटोरियल, वो ये है कि फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो मतलब यहाँ से लेके अगली वीडियो तक जो भी वीडियोस बनेंगी उसमें ये होगा कि आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो शॉर्टर। इसको मैं छोटी क्या कहते हैं वीडियो को, थोड़ी जो लेंथ है उसको कम करने की कोशिश करूँगा। और ये होगा कि मैं पहले से कोड लिख लूँगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने में टाइम लगाऊंगा। तो वो कोड जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स मूव टू द कोड नाउ। पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी वगैरह देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। एब बार क्लास है, ठीक है, इट इज़ हर किसी को पता है, जो भी एप डेवलपमेंट है उसको पता है कि व्हाट इज़ द एब बार। तो एब बार में जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है वो है कि एक तो टाइटल होता है, जो आप उसमें टेक्स्ट लिखते हो, जो आप ऐप का नाम लिखते हो। और उसमें दो चीज़ें और होती हैं, एक तो लीडिंग होती है और एक्शंस होते हैं। लीडिंग में आप एक ही विजिट या एक ही बटन ऐड कर सकते हो, और एक्शंस में आप एक से ज़्यादा कर सकते हो। और जो लीडिंग होता है वो टाइटल से पहले आता है और एक्शंस टाइटल के बाद आता है, ये फ़र्क होता है। और जो फ्लेक्सिबल स्पेस है उसका यार मेनली जो उसका काम है वो आई गेस जो कस्टम हम एक बार बनाते हैं उसका मेनली काम वहाँ पर होता है। यहाँ पर उसका कोई ख़ास काम नहीं है जो हम स्टैंडर्ड या जो नॉर्मल हम एक बार यूज़ करते हैं। और बॉटम में ये होता है कि अगर आप एक बार के नीचे कोई और विजिट रखना चाह रहे हो तो आप रख सकते हो, और वो आप एक बार क्या कहते हैं वो आप, अरे दादा आप क्या करोगे उसमें क्या कहते हैं एप बार के नीचे अगर कुछ बटन्स वगैरह मतलब कुछ भी अगर आप विजिट यूज़ करना चाह रहे हो तो आप उसके नीचे यूज़ कर सकते हो। सो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मेन प्रॉपर्टीज, एक्शन प्रॉपर्टी मैंने बता दी, एक से ज़्यादा इट इज़ अ लिस्ट विजिट। और जो हमारे पास एक्शन आइकन थीम होता है उसमें ये होता है, एक्शन आइकन थीम में ये होता है कि आप जो एक्शन विजिट यूज़ कर रहे हो उसमें इफ़ यू आर यूजिंग द आइकन्स, अगर आप एक से ज़्यादा अगर आप आइकन बटन यूज़ कर रहे हो तो ये होगा कि आइकन बटन यूज़ करने से यहाँ पर एक्शन आइकन थीम क्या करेगी, आपसे एक क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट थीम आप उसको एक वैल्यूज दे दोगे कि मतलब भाई आइकन्स का कलर क्या होना चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए एंड ओपेसिटी क्या होनी चाहिए। मतलब अलग अलग लिखने से बेहतर है आप उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दो। और ऑटोमेटिकली इम्प्लाइंग द लीडिंग, इसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है शायद लीडिंग और विजिट के बीच में, बट आई डोंट नो, मैंने यूज़ नहीं किया, बस इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और बैकग्राउंड कलर तो पता है कि इट इज़ अबाउट द कलर। और बॉटम में हम क्या करते हैं, प्रेफर्ड साइज विजिट यूज़ करते हैं। और बॉटम ओपेसिटी कि भाई उसकी ओपेसिटी की नहीं होनी चाहिए, ब्राइटनेस, सेंटर टाइटल, ये एक बुलिन क्या कहते हैं मेथड है, इसमें आप बताते हो कि आपका टाइटल सेंटर में होना चाहिए या फ्रॉम द स्टार्ट से ऑफ द एप बार से होना चाहिए। और एलिवेशन में क्या होता है, एलिवेशन में इट गिव यू द काइंड ऑफ 3D लुक थोड़ा सा दे देता है एलिवेशन में कि वो जेड एक्सिस में कितना बाहर निकला हो, मतलब इट गिव यू द 3D लुक, सिंपल सी बात है। और फ्लेक्सिबल स्पेस ये मैंने यूज़ नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ मैंने सारे इसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं की जो, लेकिन मेन में जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की वो मैं बता देता हूँ। आइकन थीम मैंने यूज़ नहीं की, लेकिन इसमें यही बताया कि इट्स ऑल अबाउट आइकन्स। लीडिंग में बता दिया कि आप क्या करते हो, ए विजिट डिस्प्ले बिफोर द टाइटल, कुछ विजिट आप डिस्प्ले करोगे, कोई भी विजिट अगर आप टाइटल से पहले डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप वो लीडिंग में यूज़ कर सकते हो। लीडिंग के विद द हेल्प ऑफ लीडिंग यू कैन एड दैट विजिट। ओके, प्रेफर्ड साइज क्या है, ये द साइज हुज हाइट, जिसकी जो हाइट होती है वो टूल बार की हाइट से और बॉटम दोनों की हाइट से, क्या दोनों की हाइट का क्या है, एक सम है, एक एडिशन है उनकी, ठीक है। और हमें क्या है पता है कि इसमें दो पार्ट्स हैं, ये आपका जो हो गया ये वाला यहाँ, ओके आई कैन मैं नहीं कर सकता, यहाँ से लेके ठीक है यहाँ मतलब स्टार्टिंग से लेके जो यहाँ तक वाला पार्ट है उसको हम टूल बार कहते हैं, उसको टूल किट या टूल बार कहते हैं। और ये वाला बॉटम ये अलग होता है, ऑलराइट। और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टीज रह गई हैं, शेप बिल्डर, उसके बाद शेप बिल्डर से क्या होगा कि आप उसकी जो शेप होगी उसको डेकोरेट कर सकते हो। टेक्स्ट थीम मतलब जो टेक्स्ट आप यूज़ करना चाह रहे हो उसकी थीम क्या होनी चाहिए, ब्राइटनेस, कलर, हर चीज़ उसके क्या होना चाहिए। टाइटल में आप ऑब्वियसली यूज़ करते हो टेक्स्ट यूज़ करते हो, टाइटल स्पेसिंग कैसी होनी चाहिए, टाइटल स्पेस क्यों यूज़ करते हैं, टाइटल स्पेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। और उसमें एक चीज़ बताते हैं कि अगर आप चाह रहे हो कि आप
का जो टाइटल है वो पूरा ही स्पेस कवर कर ले, तो आप क्या करते हो, वैल्यूज़ को सेट करते हो 0.0 पर, और टूल बार ओपेसिटी ये आपको बताता है कि आपके टूल बार की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं कोड पर, और ये हमने बनाया हुआ है एक अपना क्या कहते हैं टूल बार, अपना एक एप बार कस्टमाइज था। यहाँ पर मैंने एप बार प्रॉपर्टी यूज़ किया है, बैकग्राउंड कलर, ये तो यू गाइस नो ये कैसे होता है। अच्छा, इसमें मैंने यहाँ पर लीडिंग यूज़ किया। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ, इसके मैंने ताकि इसको मैं थोड़ा सा रिफॉर्मेट कर लूँ। ओके, तो लीडिंग में देखो, लीडिंग में आप क्या कर रहे हो, लीडिंग में आइकन, लीडिंग में आपने क्या किया, एक बटन यूज़ किया। मैंने एक बटन यूज़ किया, तो ये वाला बटन मैंने यूज़ किया, होम बटन यूज़ किया। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी उसकी रखी नहीं है, बस मैंने यही रखी है कि भाई जब मैं इसको प्रेस करूँ तो जो है ना आपके जो ये वाला कंसोल है उसमें होम बटन इस प्रेस प्रिंट होकर आ जाए। तो भैया ये आ रहा है, प्रिंट होकर आ गया, मतलब आपका बटन काम कर रहा है। उसके बाद आपने यूज़ करा प्रिफेस बॉटम। ओके, बॉटम में हमेशा, अच्छा बॉटम में आप और कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बॉटम में हमेशा आपने प्रेफर साइज, ये एक विजिट है ठीक है, उसके अंदर फिर जो भी हम रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो जब भी आप कोई बॉटम में यूज़ करते हो, पहले आप उसमें प्रेफर्ड विजिट यूज़ करोगे, उसके अंदर फिर आप जो रखना चाह रहे हो देन वो आप उसमें रख सकते हो। और अगर उसकी वैल्यूज़ या क्या कहते हैं वैल्यूज चेंज करके देखते हैं क्या होता है। ओके, ये नहीं, ओके ओके, वैल्यूज़ की कम होगी, मतलब अगर इसकी एप बार की आपकी हाइट, इससे क्या होगा प्रेफर साइड में क्या होगा, आपकी एप बार की हाइट कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब लेकिन अगर मैं कम कर रहा हूँ 50 से, अगर मैं कम कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मतलब आइकन्स का लुक ख़राब आ रहा है, और इट डजंट गिव यू अ गुड लुक अबाउट ऑफ योर एप बार। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये 50 पर ही रखते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे हमें। ओके, ठीक है, और ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टीज हैं, बॉटम ओपेसिटी की, आपकी बॉटम की कितनी है। अच्छा, बॉटम ओपेसिटी में क्या करेगा ये टूल, ये जो बैकग्राउंड कलर है इसमें कुछ नहीं करने वाला, ये जो ये बॉटम का नीचे है इसमें एक ये करेगा, इस जो बॉटम के अंदर वाली चीज़ है ना, मतलब बॉटम के अंदर जो हमने चीज़ यूज़ करी है, हमने क्या यूज़ करा, एक क्या कहते हैं आइकन यूज़ करी है, ये कोई बटन नहीं है, जस्ट मैंने आइकन यूज़ करी है। तो ये बॉटम ओपेसिटी क्या करेगा, जो चीज़ बॉटम विजिट या जो क्या कहते हैं उसके अंदर हमने यूज़ किया उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर देगा। तो यहाँ पर मैं अगर 0.1 लिख लूँ तो इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम हो गई। 2 लिखते हैं, 2 पे भी नज़र नहीं आ रहा, चलो 3, चलो 4 कर लेते हैं, कुछ नज़र आ रहा है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, जो भी चीज़ बॉटम के अंदर यूज़ हुई है उसकी आप ओपेसिटी चेंज कर सकते हो। और टूल बार ओपेसिटी मैंने फुल रखी है, और लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा कम करूँ। सो इसमें भी ये होगा कि टूल बार के अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई है ना उसकी ओपेसिटी पे फ़र्क आएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो चीज़ें हो गई, लेकिन इसको क्या करते हैं 1-1 पर रखते हैं भैया। ओके, दोनों को 1-1 पर रखते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं एक्शंस। अच्छा, ये याद रखो कि ये बार जो टाइटल से पहले हम बटन या जो भी इसमें यूज़ करना चाहें तो उसको हम क्या कहते हैं लीडिंग, और जो टाइटल के बाद वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं एक्शन। ठीक है, जैसे कि नोटिफिकेशन बार हम कहीं पर देख लेते हैं किसी ऐप में कि नोटिफिकेशन बार लगा हुआ है टाइटल के बाद, या शेयर का बटन लगा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर दो बटन्स, आइकन बटन्स लगाए हैं, फंक्शनैलिटी नहीं डाली, जस्ट समझाने के लिए कि ये लीडिंग या क्या कहते हैं अपना एक्शंस होते क्या हैं। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ अपने आइकन बार पर, इसकी फंक्शनैलिटी सिर्फ मैंने ये रखी है कि भाई कंसोल में मुझे प्रिंट होकर आ जाए कि आपका नोटिफिकेशन बार काम नोटिफिकेशन बटन काम कर रहा है। तो शेयर बटन में मैंने कुछ ऐसे ही रखा है। तो ये और एलिवेशन, ओके एलिवेशन थोड़ा देख लेते हैं इसको, अच्छा इसकी 0 कर लेते हैं एलिवेशन। अब इसमें देखते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र आएगा एलिवेशन में। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा याद है, एलिवेशन में ये होता है कि इट गिव यू द शेडो, ये आपको यहाँ पर आपका एक बार एंड होता है ना वहाँ पर आपको एक क्या कहते हैं एक शेडो दे देता है, इट गिव यू शेडो दे देता है। और हाँ, ये देखो ये थोड़ा सा आपको शेडो देगा, और थोड़ा सा आपके जो क्या कहते हैं
जो बैकग्राउंड जो भी आपको उसको थोड़ा एलिवेट करता है, मतलब एक 3D सा, हल्का सा थोड़ा सा 3D लुक दे देता है। चलो इसको करते हैं 50 पे, 20 पे करते हैं। मेनली इसका ये काम है कि ये क्या करता है, आप ये इस गिव यू द शेडो, ठीक है। तो या इसको मैं 10 पर ही रखता हूँ। ओके, एक चीज़ करना भूल गया था मैं, यू बताना भूल गया था मैं। अच्छा, इसका मेन जो फंक्शन है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब सिर्फ एबा जो हम स्टैंडर्ड एबा यूज़ करते हैं नॉर्मल, उसमें इतना नहीं है। लेकिन इसका जो मेन जो फंक्शन है फ्लेक्सिबल स्पेस विजिट का, वो है आप जब कोई कस्टमाइज एबा बनाना चाहते हो, वो एक अलग, उसकी एक अलग कहानी है, ठीक है। तो वहाँ पर ये इसका फंक्शन होता है, वहाँ पर ये आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन फॉर नाउ मैं बता देता हूँ कि ये करता क्या है। ये तो एक बार को यहाँ पर तो ख़राब कर रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं, ये देखें इसको, कोई अच्छी चीज़ नहीं बन रही यहाँ पर। तो मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट यूज़ क्या है इन द एक बार जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड एक बार जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। कस्टमाइज में ये करता ये है कि आप स्पेस जो फ्लेक्सिबल स्पेस होता है, वो ये करता है कि आपके एक बार को एक्सपेंड कर सकता है, कोलेप्स कर सकता है, और साइज़ को मतलब आगे पीछे कर सकता है, ठीक है। तो ये था आज का एक बार के बारे में थोड़ा बहुत सा ट्यूटोरियल। इफ़ यू लाइक इट तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज़ें कर लेना। थैंक यू, पीस।